जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं हूं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ। रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रिटन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। चाहे आप किसी भी प्रकार के लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह है पुस्तकों का चुनाव। कौन सी पुस्तकों का चुनाव हमें करना चाहिए, पुस्तकों का चुनाव करते समय किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, इन सारी चीजों पर अपन आज डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो आप जरूर देख लें। इस सीरीज में जो वीडियो चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयारी शुरू करने से पहले सारी चीजों की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक करिए और पूरा देखना है, जिससे आपको भी इससे फायदा मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि परीक्षा और सिलेबस के अनुसार ही आपको पुस्तकों का चुनाव करना है। बहुत से बच्चे इन दोनों चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, हर किसी से पुस्तकों के बारे में पूछेंगे तो हर कोई अलग अलग राय देगा, लेकिन आपको उसी से राय लेनी है जो जिस पर आपको पूरा विश्वास है। तो उसमें परीक्षा और सिलेबस के अनुसार आपकी परीक्षा कौन सी है और उसका सिलेबस क्या है, इसी के अनुसार आपको पुस्तकों का चुनाव करना है। हर एग्जाम के लिए पुस्तकों के चुनाव के लिए मेरे अलग से भी वीडियो है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको कौन सी पुस्तकों का चुनाव करना है, कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन सी पुस्तकों का चुनाव करना है, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कर रहे हो तो कौन सी पुस्तकों का चुनाव करना है, एयरफोर्स के लिए आर्मी के लिए आपको कौन सी बुक्स रखनी है, ये सारे वीडियो मेरे अलग अलग हैं, लेकिन ये कॉमन वीडियो है जिसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में अपने लेवल के अनुसार पुस्तकों का चुनाव जरूर करना है। अपने लेवल से मतलब है कि अगर आपने पहली बार तैयारी शुरू की है तो आपके लिए अलग पुस्तकें हो सकती हैं, अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है, कोई एग्जाम आपने दे रखा है, तो आपके लिए दूसरी पुस्तकें होंगी। सबसे पहले अगर आप बेसिक पुस्तकों की बात करें तो आपको एनसीईआरटी की बुक से बेसिक जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। चाहे कोई भी कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी की जो 9th, 10th, 11th, 12th की जो बुक्स आती है जिनमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, तो वो वाली बुक्स आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग सिलेबस के अनुसार अलग अलग किताबें आती हैं, लेकिन अपने लेवल के अनुसार किताब पढ़नी है। अगर आप 12वीं पास वाला कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो किताबें अलग होंगी, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन लेवल वाला कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए पुस्तकें अलग होंगी। इसके बाद में बार बार पुस्तकों को बदलना नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखना है। एक बार अगर आपने पुस्तकों का चुनाव कर लिया तो उसके बाद में बार बार पुस्तकों को चेंज नहीं करना है। आपने पढ़ना शुरू किया, थोड़े दिन बाद में किसी दूसरे ने और नई किताब बता दी, उसको आपने बीच में छोड़ा, नई किताब लेके रख ली, कुछ दिन बाद में फिर कोई तीसरे आदमी ने और कोई किताब बता दी तो आपने उसको भी छोड़ दिया, तीसरी किताब ले ली। ऐसा नहीं करना है, एक ही बार डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी पुस्तकें लेनी है। उसके बाद में पुस्तकें सभी अच्छी होती है, बहुत जो ज्यादा अच्छी बुक होती है उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज 2-4% का अंतर आता है, बाकी जो किताब लिखने की पावर रखता है, जो किताब लिखता है वो बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनत करता है तभी वो बुक तक पहुंचता है। ऐसी नहीं कि कोई किताब होगी वो मार्केट में जो किताब होगी वो बिल्कुल अधूरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या कोई ऐसी किताब होगी कि उसी में से पेपर आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी किताब लगभग कोर्स कवर करती है तो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने लेवल के अनुसार अपनी पुस्तक का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में पर्याप्त पुस्तकों का चुनाव करना। पर्याप्त पुस्तकों से मतलब होता है बेटा कि ना तो आपके पास कम किताबें होनी चाहिए, नहीं ज्यादा किताबें होनी चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जो ज्यादा किताबों का ढेर लगा लेते हैं, हर सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 किताब रखते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो बताते हैं कि मैं सभी के अंदर से टॉपिक्स को क्लियर करता हूं, एक ही टॉपिक को 3 जगह से पढ़ता हूं, 4 जगह से पढ़ता हूं। इस तरह से टाइम वेस्ट मत करिए, एक ही किताब से अच्छे से पढ़िए, वो ज्यादा बेहतर है। अर्थात ज्यादा पुस्तकें आपको इकट्ठी नहीं करनी है। इसके अलावा पर्याप्त पुस्तकों में ये चीज भी शामिल होती है कि पुस्तकों का अभाव भी आपके पास नहीं होना चाहिए, कि आपके पास किताब ही पूरी नहीं है किसी सब्जेक्ट की, सिर्फ ऐसे ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, या एक ही किताब से सिर्फ कोई कंपटीशन पास करना चाह रहे हैं तो वो टाइम चला गया बेटा, जिसमें एक ही किताब में सारे सब्जेक्ट होते थे और उसी से कंपटीशन पास हो जाते थे। आजकल छोटे से छोटा एग्जाम भी होता है, उसमें भी पूरा लेवल आता है पेपर का,
कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको पर्याप्त पुस्तकें रखनी है। हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास अलग अलग बुक्स होनी चाहिए और वो होती है पर्याप्त पुस्तकें। तो इस तरह से आपको पुस्तकों का चुनाव करते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, जिससे आप जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और याद रखना दोस्तों, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है। तो कोई जानकारी अगर आपको पुस्तकों से संबंधित और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में काफी वीडियोस मैंने लगा रखे हैं हर कोर्स के लिए अलग अलग बुक्स वाला, कि आपको कौन सी तैयारी के लिए कौन सी बुक्स का चुनाव करना है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, डायरेक्ट सर्च करके भी देख सकते हैं। और इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लगातार एक सीरीज में जो वीडियो चल रहे हैं इनका फायदा उठाइए और अपनी तैयारी अच्छी बनाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।